एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं वैशाली और आज है 27 नवंबर, यानी आज है ब्लैक फ्राइडे। और ब्लैक फ्राइडे के दिन सिंगापुर में शॉपिंग के लिए बहुत कुछ होता है। अभी मैं आई हूं ऑर्चर्ड रोड पे। ऑर्चर्ड रोड में शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है और ब्लैक फ्राइडे के दिन शॉपिंग करने में तो कुछ अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है ब्लैक फ्राइडे के दिन, इसलिए बहुत सारे लोग भी यहाँ आ जाते हैं। आज यहाँ पर इतनी भीड़ है, मुझे बस से यहाँ आने में आधा घंटा लगता था हमेशा, लेकिन आज मुझे एक घंटा लगा यहाँ पर आने के लिए, इतना ट्रैफिक है रोड पे। अभी आगे जाकर देखना है और भीड़ बढ़ेगी, तो सभी जगह भी भीड़ है और लोगों को गिनकर ही अंदर छोड़ रहे हैं, इसलिए सभी जगह क्यू भी है। ब्लैक फ्राइडे के दिन शॉपिंग करने के लिए ऑर्चर्ड रोड बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत कुछ मिल जाता है हमें डिस्काउंट में और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स है, तो अगर कुछ लेना हो तो ऑर्चर्ड रोड ब्लैक फ्राइडे के दिन आना ही चाहिए। वैसे मैं हर साल तकाशु में आ जाती हूँ, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल मटेरियल या फिर टॉयज़, कपड़े, बहुत कुछ मिल जाता है एकदम सस्ते में आज के दिन। वैसे तो क्रिसमस सेल शुरू ही है सभी जगह, 11/11 सेल भी चल रहा है, यानी नवंबर में हर साल सेल होता है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे के दिन तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, यानी 70% ऑफ होता है, इसलिए बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और जो भी चीज़ें लेनी हो हमें वो इस दिन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अभी आए हैं शॉपिंग के लिए और यहाँ पर क्रिसमस की लाइट लगी है, लाइट शुरू हो गया है, क्रिसमस डेकोरेशन सभी जगह शुरू हो गया है। शाम के वक्त ऑर्चर्ड रोड में घूमने का अलग ही मज़ा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से लाइट डेकोरेशन होता है। तो आगे दिसंबर में हम यहाँ पर आ ही जाएंगे, अभी घूमते हैं ऑर्चर्ड रोड। ये क्रिसमस डेकोरेशन का एंट्रेंस है, तो ये पूरा ऑर्चर्ड रोड लाइट डेकोरेशन से सजाया है। बहुत सारे टूरिस्ट आते थे हर साल क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। ऑर्चर्ड रोड सिंगापुर में इंटरनेशनल ब्रांडेड शॉपिंग के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांडेड शॉप है, इंटरनेशनल लेवल के डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत सारे मॉल है एक ही जगह पर। ऑर्चर्ड रोड पूरा 3 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर सारे रोड पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, यानी ऑर्चर्ड रोड एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मॉल एक ही जगह है, इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत महंगा है, क्योंकि ब्रांडेड शॉप है यहाँ पर, ब्रांडेड स्टोर, ब्रांडेड मॉल है सारे, इंटरनेशनल ब्रांडेड मॉल है, इसलिए यहाँ पर बहुत महंगी होती है शॉपिंग करना। लेकिन जब ईयर एंड में सेल लग जाता है तो यहाँ पर लोकल लोग बहुत सारे शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। नवंबर से ही ये सेल शुरू हो जाते हैं, नवंबर में 11/11 सेल होता है, उसके बाद ब्लैक फ्राइडे, फिर क्रिसमस सेल, यानी ईयर एंड में बहुत सारे सेल लगते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और बहुत सस्ते में चीज़ मिल जाती है, इसलिए ईयर एंड में यहाँ पर शॉपिंग के लिए ज़रूर आते हैं ये लोग। और ऑर्चर्ड रोड में ऐसे ही घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है, और दिसंबर में यहाँ पर क्रिसमस डेकोरेशन होता है जो देखने जैसा होता है। बनाया है यहाँ पर,
है तकाशिमाया शॉपिंग सेंटर, बहुत बड़ा है। यहाँ से लेकर बहुत दूर तक बहुत बड़ा है ये। इसके अंदर ये ऊपर तक है ऐसा। ऑर्चर्ड रोड पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर यही है और ये जापनीज है। इसके अंदर जो भी सारे शॉप है वो जापनीज है ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको फूड या फिर स्टोर्स ज़्यादातर जापनीज ही मिलेंगे। एंड सिटी तकाशिमाया, तो अभी चलती हूँ इसके अंदर। लाइन है यहाँ पर तो बहुत बड़ी, देखती हूँ अभी। इसके अंदर बहुत ही अच्छे वाले ब्रांडेड शॉप है और ज़्यादातर सारे शॉप जापनीज़ है, यानी यहाँ पर जापनीज़ फूड, जापनीज़ चॉकलेट, कुछ भी लो आप जापनीज़ मिलेगा। बहुत फेमस है यहाँ पर। तो अगर ऑर्चर्ड रोड पर आए तो तकाशिमाया में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ से लाइन शुरू है और वहाँ पर डोर है, मेन डोर। ये भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो डोर होते हैं साइड वाले, ये सारे डोर बंद है, बस मेन डोर ही ओपन है जहाँ से हमें अपना आईडी स्कैन करके अंदर जाना होता है, इसलिए भीड़ है। पहले यहाँ पर सारे सेल लगते थे, ये जो ओपन स्पेस है, लेकिन अभी सभी की सेफ्टी के लिए ये सारे सेल ऐसे बंद कर दिए हैं और जो भी अभी है वो शॉप में है, यानी सारे शॉप में जाकर देखना पड़ता है। नहीं तो पहले यहाँ पर ये जो ओपन स्पेस है, ये यहाँ पर सारे शॉप इकट्ठा जमा होकर उनका सेल लगता था तो आसानी रहती थी, लेकिन अभी हर एक शॉप में जाकर आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के फूड एंड विला, फूड एंड विलेज, जहाँ पर खाना है। ये यहाँ का फूड कोर्ट है जहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं और उसी के साइड में ये अलग अलग फूड है। एक कोल्ड स्टोरेज है जिसके अंदर ज़्यादातर जापनीज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है। चॉकलेट, यहाँ पर सारे चॉकलेट भी हैं। यहाँ से ब्रेड लिया है, हर जगह पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। कहीं जगह पर तो एंट्री बंद कर दी है, वेटिंग लगा है। तभी घर जाना ही बेहतर होगा यहाँ से, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है और सभी जगह भी वेटिंग लग रहा है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सभी जगह भी ऐसा हुआ, सभी जगह भी ऐसा हाल है, तो यहाँ से अभी निकलना ही बेहतर होगा।
तरह से हाल है अभी यहाँ पर। बहुत भीड़ होती है आज के दिन शॉपिंग के लिए सभी जगह। तो अभी मैं जा रही हूँ बस स्टॉप की तरफ। ये टकाशुमा की पीछे की साइड है, पूरा आर्चर रोड घूम के आने की ज़रूरत नहीं। तो अभी मुझे यहाँ पर बस स्टॉप पर जाना है जहाँ से मुझे बस मिलेगी। भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, बहुत भीड़ हो गई है। तो अभी ज़्यादा तो घूम नहीं सकते क्योंकि हर जगह भी एंट्री के लिए वेटिंग करना पड़ रहा है। तो मैं तो अभी निकल रही हूँ घर के लिए क्योंकि बहुत देर भी हो जाएगी फिर और रोड पे फिर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि जल्दी से घर निकल जाए। तो इस तरह से होता है यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे। आगे और भी बहुत कुछ था लेकिन आज इतना घूमना अच्छा नहीं है, अभी इतना सेफ भी नहीं है। वैसे प्रिकॉशन तो सभी जगह ले रहे हैं लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए ज़्यादा घूमना अच्छी बात नहीं है। ब्लैक फ्राइडे के दिन शॉपिंग बहुत हो जाती है लोगों की, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं क्योंकि एकदम सस्ते में मिल जाती है लेकिन बस लाइन के लिए रुकना पड़ता है। तो कोई तो साथ होना चाहिए जो एक लाइन के लिए रुकेगा और दूसरा जाके शॉपिंग करेगा। हर साल लोग इसी तरह से करते हैं। तो अभी दोपहर के 2:30 बजे है और इससे आगे और भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि फ्राइडे हाफ डे ऑफिस करके या फिर आज छुट्टी भी लेते हैं लोग ऑफिस के लिए क्योंकि उन्हें शॉपिंग करनी होती है। तो ये था आज का दिन, आज का वीडियो अभी यहीं ख़त्म होता है क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी बस में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।